और अगली बंद की खबर मुजफ्फरपुर की, जहां आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बंदी को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कार्यकर्ताओं ने NH-57, NH-28 और NH-77 को जोड़ने वाली 0 माइल गोलंबर को पूर्ण तरीके से जाम कर आगजनी की और नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 23 मार्च को जो हमारे नेता ने आह्वान किया था जन सरोकार मुद्दों को लेकर, उस मुद्दे पर जो नीतीश कुमार ने यह लाठीचार्ज करने का काम किया, उसको लेकर हम आज पूरे बिहार में सड़क पर उतरे हुए हैं। बेरोजगार रोजगार को लेकर उतरा हुआ है, छात्र नौजवान अपने भविष्य के लेकर उतरा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ सारे लोग हम लोग एकत्रित हुए हैं, जो कि 0 माइल चौराहे पर संपूर्ण बंदी। और मुजफ्फरपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लंबा जाम लगा हुआ है और बंद समर्थक सुबह से ही सड़कों पर मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता विशाल हैं। विशाल, क्या कुछ देखने को मिल रहा है आपको बंद के दौरान? जी, मुजफ्फरपुर में भी राजद के कार्यकर्ता, खासकर जो राजद का युवा मोर्चा है, वो सुबह से ही सड़कों पर उतर चुका है। और शहर के अंदर की बात छोड़ दे तो NH को खास तौर पे ब्लॉक कर दिया है। दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से पटना से जोड़ने वाली मुख्य सड़क को 0 माइल के समीप में अंजाम कर दिया है। और विधानसभा का मुद्दा ही मेन राजद के कार्यकर्ताओं ने उठाया है, महिला विधायकों की पिटाई को लेकर के उतरे हुए हैं। और विशाल, जिस तरह के बंद जब आरजेडी के द्वारा बुलाया जाता है, खासकर आरजेडी की बात कर रही हूँ क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टी के द्वारा बुलाया गया बंद है, लेकिन आरजेडी भी इसमें शामिल है, तो आरजेडी के बंद में हिंसा देखने को मिलती है, झड़प देखने को मिलती है और मुजफ्फरपुर जिले में भी यह देखने को मिलता है, तो क्या इस तरह की घटनाएं सामने आई है आपके नजर में? जी बिल्कुल, इस तरह की तो कोई घटना अभी तक मुजफ्फरपुर शहर में नहीं आई है, लेकिन सुबह से जिस तरीके से, जिस आक्रोश के साथ और जिस प्रदर्शन के साथ सरकार के खिलाफ राजद के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं, उनका आक्रोश काफी है। सड़क पर आगजनी की गई है, ट्रक वगैरह को तो रोक दिया गया है, बड़ी वाहनों को भी रोका गया है, छोटी वाहनें भी रुकी हुई हैं, लेकिन किसी तरह का उत्पात और प्रदर्शन में विशाल, ये लोग गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, गाड़ियों के भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करते हैं, तो क्या ऐसी खबरें आपके पास आई है? नहीं, अभी तक मुजफ्फरपुर जिले में इस तरह की कोई खबरें नहीं है। मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन और जो मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन है, प्रशासन की क्या व्यवस्था है बंद को देखते हुए? जो भी मजिस्ट्रेट है वो इन सब चीजों को देख रहे हैं, SSP और बाकी जो पदाधिकारी हैं वो सब भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं। फिलहाल अभी मुजफ्फरपुर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका विशाल। तो विशाल हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पल पल की जानकारी, मुजफ्फरपुर में बंद किस तरह सफल रहा है, कि क्या असर देखने को मिल रहा है, वह आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। सीतामढ़ी जिले में भी बंद का असर देखने को मिल रहा है, जहां महागठबंधन कार्यकर्ता कारगिल चौक और मेहसौल चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीतामढ़ी से संवाददाता आदित्य आनंद है फोन लाइन पर। आदित्य, सीतामढ़ी में बंद किस तरह देखने को मिल रहा है, कितना असर दिख रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि सीतामढ़ी में बंद का पूर्णतः असर देखा जा रहा है। सारी जगहों को बंद कर दिया गया है, हर एक चौक चौराहों पर राजद कार्यकर्ता और जो भी महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं वो देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो लड़ाई थी वो एक महागठबंधन से सड़क से ले आया है और पूरा सीतामढ़ी आज बंद है। जी, तस्वीरों में दिख रहा है कि वहां पे आगजनी कर रहे हैं प्रदर्शन और प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं, क्या किसी तरह की झड़प की भी खबर आई है प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी झड़प की कोई खबर नहीं है। जिस तरह से राजद कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, लेकिन पुलिस के द्वारा एक बेहतर पहल किया गया है, जो की बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लेकर पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किया गया हुआ है, जहाँ अभी तक कोई भी झड़प की बात नहीं आई है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका आदित्य आनंद। तो सीतामढ़ी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बंद के दौरान, किस तरह वहां के जो प्रदर्शनकर्ता हैं अपने हाथों में बैनर लेकर, पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नीतीश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रोड को जाम कर दिया है।
अगली खबर है मोतिहारी की, जहां पर बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मोतिहारी में सुबह से ही लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आगजनी कर रोड को जाम कर दिया है, जिससे एनएच हाईवे पर बंद समर्थक बैठ कर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे लंबा जाम देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने मोतिहारी की, जहां बंद के कारण आम आदमी परेशान है क्योंकि गाड़ियों की लंबी कतारें हाईवे पर देखने को मिल रही है। गाड़ियों की लंबी कतारें, विरोध है कि बिहार विधानसभा का घेराव लेकर माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह सदन के अंदर माननीय विधायकों को अपमान किया है, जूता के ठोकर से पुलिस से पिटवाने का काम किया है, वैसे मुख्यमंत्री के विरोध में पूरे बिहार में महागठबंधन के सभी दल सभी लोग। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम लगातार आपको भारत बंद और बिहार बंद को लेकर तस्वीरें हर जिले से दिखा रहे हैं कि किस तरह बिहार बंद और भारत बंद का असर राजधानी पटना और तमाम अन्य जिलों में देखने को मिल रहा है। अगली खबर आपको दिखाएंगे मसौढ़ी की, राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में भी बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है, जहां पर आगजनी कर वहां पर चीजें प्रदर्शनकारी जो हैं रोड को जाम कर दिए हैं और तमाम गाड़ियों को रोकने की कोशिश की जा रही है, जिससे आम लोगों को खासी परेशानी हो रही है। तो मसौढ़ी की तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां गाड़ियों को रोककर, ये यात्री गाड़ी है, यहां बसों को रोककर प्रदर्शनकारी बसों को रोक रहे हैं, आम लोगों को रोक रहे हैं और ट्रकों की लंबी लाइनें आपके सामने मसौढ़ी चुकी है। जो मसौढ़ी का रास्ता है, इनर स्टेट हाईवे भी कहा जाता है इसे, और इसके रास्ते से दूसरे राज्य और दूसरे ज़िलों में जा सकते हैं, और जिस कारण प्रदर्शनकारियों के कारण और बंद के कारण यहाँ पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है, यानी कि आम आदमी की परेशानी इस बंद के कारण देखने को मिल रही है। बंद की वजह से आपको तमाम जिलों में जो लोग परेशान हैं, जिसका जैसा असर देखने को मिल रहा है, वो आपको दिखा रहे हैं। भारत बंद बुलाया गया है तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा, किसानों के जो नए बिल है, नए बिल के विरोध में और किसानों के समर्थन में। वहीं दूसरी ओर विधानसभा में बदसलूकी का मामला आरजेडी विधायकों के साथ जो हुआ था, उसको लेकर महागठबंधन के द्वारा भारत बिहार बंद का आह्वान किया गया है, जिसका असर तमाम ज़िलों में देखने को मिल रहा है। वही आपको बिहार के तमाम ज़िलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर ज़िलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही बंद कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर डटे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को रुकवा रहे हैं। जो गाड़ियाँ हैं उसे रुकवाई जा रही है, टेम्पो बस सभी को रुकवा कर पूरी तरह से बंद को सफल बनाने की कोशिश बंद समर्थकों के द्वारा की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पीएम बांग्लादेश की आजादी की जश्न में शामिल होंगे। बांग्लादेश अपनी आजादी के 50 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है, जिसमें पीएम मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे। पीएम मोदी 26 से 27 मार्च तक की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। तेजस्वी यादव समेत उनके पार्टी के 20 अन्य नेताओं पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। 23 मार्च को विधानसभा घेराव के दौरान तेजस्वी यादव आरजेडी के मार्च में शामिल हुए थे। डाबंगला चौराहे पर इस दौरान जमकर बवाल हुआ था और इसी मामले में तेजस्वी समेत उनकी पार्टी के 20 नेताओं को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।